प्रो मैजिक एडवांस, बीच में मैजिक है, बहुत अच्छी तरीके से ये मैजिक का काम करता है। ग्रो मैजिक एडवांस आज की डेट में यमाई लाइफस्टाइल में जिस तरीके से नंबर वन पायदान पे भूअस्त्र सुपर रहा था, सेकंड पायदान पे ग्रो मैजिक एडवांस रहा है, इसकी तो क्या कहने। क्या है ये प्रोडक्ट? ग्रो मैजिक एडवांस थर्ड जनरेशन का नैनो टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है। नैनो टेक्नोलॉजी आप लोगों ने सुनी होगी कि नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत बोलबाला आजकल एग्रीकल्चर में चल रहा है। कौन लाया था नैनो टेक्नोलॉजी इंडिया में? इंडिया में सबसे पहले यमाई लाइफस्टाइल इंडिया ग्रो ब्रांड के अंडर में नैनो टेक्नोलॉजी का पहला प्रोडक्ट लाए थे, जिसका नाम है ग्रो मैजिक एडवांस। ग्रो मैजिक एडवांस थर्ड जनरेशन का नैनो टेक्नोलॉजी का पूरी दुनिया का सबसे पहला ऐसा प्रोडक्ट है जो आज थर्ड जनरेशन पाया जाता है, जो आज किसानों के लिए भारत का सबसे पहला नैनो टेक्नोलॉजी का पहला प्रोडक्ट है। इसमें क्या होता है? इसमें जो जस्मोनिक एसिड पाया जाता है या जस्मोनेट पाया जाता है, ये पौधों में अपने आप होता है, ये प्लांट हार्मोन होता है। क्या है प्लांट हार्मोन? प्लांट हार्मोन उसे बोला जाता है कि पौधे का या पेड़ का कोई भी फंक्शन कंट्रोल करने के लिए जो हार्मोन पौधे में पाया जाता है उसे हार्मोन बोला जाता है। जो हमारे शरीर में भी, मानवीय शरीर में भी हार्मोन्स काम करते हैं, वैसे पौधों में भी हार्मोन्स काम करते हैं। हमारे शरीर में ब्रेन होता है, जो ब्रेन आपका सेंट्रल इंटेलेक्चुअल आइकॉन करके काम करता है आपकी शरीर का। मतलब आपका ब्रेन ऑर्डर देगा तो आपके हाथ चलेंगे, आपकी आंखें चलेगी, आपका मुंह चलेगा, आपका मूड चलेगा, पैर चलेंगे, हाथ चलेंगे, या आपकी शरीर की हर क्रियाएं ब्रेन से डिसाइड करता है, उस तरीके से चलता है। जस्मोनिक एसिड वो हार्मोन है पौधों का कि वो डिसाइड करता है कि पौधों में कितने ब्रांचेस लगने चाहिए, कितने पत्ते लगने चाहिए, कितनी हाइट उस पौधे की होनी चाहिए, कितने पत्ते होने चाहिए, फल कितने लगने चाहिए, फूल कितने लगने चाहिए, कितने फूल झड़ने चाहिए, कितने फल झड़ने चाहिए, या फिर कितने फल या फूल आपके पौधों के ऊपर में रहने चाहिए, आपकी पौधों का उपज कितनी होनी चाहिए, ये डिसाइड करने वाला जो हार्मोन है वो है जस्मोनिक एसिड। और ये जस्मोनिक एसिड अपनी ग्रो मैजिक एडवांस में पाया जाता है। हम एक्सटर्नली इसमें अपने पौधों को देते हैं ताकि आपका बैलेंस, आपके पौधों में जो जस्मोनिक एसिड पाया जाता है उसका बैलेंसिंग बना रहे। बहुत ज्यादा हेवी अगर आपको लग रहा है तो ग्रो मैजिक एडवांस सिंपल भाषा में मैं आपको बता दूं, जड़ों की विकास के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआती अवस्था में आपकी रोपाई होगी, शुरुआती अवस्था में ग्रोथ करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे वेजिटेटिव ग्रोथ बोला जाता है। आप इसका टिलरिंग मतलब फुटाव, जैसे आपने गन्ने की खेती करनी है, आपने चावल की खेती करनी है, या फिर आपको गेहूं की खेती करनी है, या फिर आपको सोयाबीन की खेती करनी है, कपास की खेती करनी है, तो आपको जो फुटाव आपको चाहिए होता है, ये फुटाव ग्रो मैजिक एडवांस आपको देगा। इनिशियल प्लांट ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाएगा। जिन्हें में आप पाओगे कि अगर आपने ये जमीन से दिया है तो जिरी में आप पाओगे कि बाकी जिरी होगी 5 इंच की और अपनी 10 इंच के ऊपर में या 1 फीट तक चली जाएगी। इतना बड़ा फर्क आप जिरी में पाओगे शुरुआती अवस्था में। प्रोफ्यूज फ्लावरिंग होता है, जो भी फूल वाली खेती होती है या फिर जब भी आपके पौधों के ऊपर, खेतों के ऊपर, सब्जियों के ऊपर में फूल लगते हैं, फूल ही फूल बढ़ाने का काम ये करता है, फूलों का फलों में कन्वर्शन करने का काम ये करता है। फूल और फल जो नीचे गिरते हैं नेचुरली, वो नीचे गिरने से बचाता है, कम कर देता है। ज्यादा खेतों में पानी होना मतलब बारिश ज्यादा हो या बारिश कम हो या कीड़े ज्यादा हो, ज्यादा खाद आपने डाली हो या खाद ना डाली हो, ऐसे स्ट्रेस मैनेजमेंट का काम, बायोटिक स्ट्रेस हो अबायोटिक स्ट्रेस हो, इन दोनों स्ट्रेस मैनेजमेंट का काम ये ग्रो मैजिक एडवांस करता है। मतलब अपना जो प्रोडक्ट स्ट्रेस के लिए, इसी तरीके से आपकी पौधों में फाइट स्ट्रेस का काम ग्रो मैजिक एडवांस अपने एग्रीकल्चर में करता है। टेस्ट बिट बढ़ाता है,
चावल के दाने का 100 दाने का वजन अगर 60 ग्राम का है तो ये टेस्ट वेट बढ़ाता है, साइज उतनी रखेगा, बट वही 100 दाने का वजन अगर 60 ग्राम है तो ये 70 से 80 ग्राम करेगा। टेस्ट वेट मतलब वजन बढ़ाएगा दाने का, साइज नहीं बढ़ाएगा वजन बढ़ाएगा, टमाटर का वजन बढ़ाएगा, ऑयल कंटेंट बढ़ाएगा, सूरजमुखी में ऑयल कंटेंट, सिंग दाना में ऑयल कंटेंट बढ़ाएगा, या फिर जो भी ऑयल के सोयाबीन में ऑयल कंटेंट बढ़ाएगा, कपास की खेती में ऑयल कंटेंट बढ़ाएगा, बीज की संख्या बढ़ाएगा, फ्लावर का फूलों में कन्वर्शन बहुत अच्छा करेगा, अल्कलॉइड कंटेंट, अगर चाय की खेती है तो अल्कलॉइड कंटेंट बढ़ाएगा, मतलब उसमें टैनिन परसेंट बढ़ाएगा, कॉफी में कैफेन परसेंट बढ़ाएगा, ऑयल में ऑयल कंटेंट बढ़ाएगा, या फिर आपकी अगर कोई खेती में अगर फ्रूट्स की अगर खेती है, जैसे एप्पल की खेती है, किन्नो की खेती है, इन सभी एप्पल की या किन्नो की खेती या फलों की खेती में, केले की खेती में पिगमेंटेशन बढ़ाएगा, उसका फ्रेग्रेंस बढ़ाएगा, उसकी टेस्ट बढ़ाएगा, उसकी ओडर बढ़ाएगा, उसकी पैलेटेबल बढ़ाएगा, उसका शुगर कंटेंट बढ़ाएगा, आपके गन्ने में शुगर का परसेंटेज बढ़ाएगा, रिकवरी परसेंटेज बढ़ाएगा, शक्कर की मात्रा उसमें ज्यादा आपको देगा। ये सब ग्रो मैजिक एडवांस कर सकता है, कीपिंग क्वालिटी ये बढ़ाएगा। आप लोगों को पता है कि जो फूलों की खेती होती है, फूलों की खेती में भी ये अगर आप इस्तेमाल करोगे ग्रो मैजिक एडवांस, अगर आप छिड़काव करोगे तो फूलों का सुगंध बढ़ाएगा। कट फ्लावर, गुलाब की खेती कोई करता है या कट फ्लावर की खेती करता है, बूके बनाने वाले जो लोग होते हैं, अर्बन मार्केट वाले, ध्यान दीजिए, एक सब्जी का ठेला है, सब्जी बेच रहा है, सुबह से शाम तक वो सब्जी बेच रहा है, अगर ग्रो मैजिक एडवांस की अगर खेती है तो वहां पर वो पाएगा कि अगर उसका छिड़काव किया है तो सुबह से शाम तक उसकी जो टोकरी में सब्जी रखी है वो फ्रेश रहेगी, कीपिंग क्वालिटी उसकी बढ़ाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट आपको कवर करने के लिए ये काम में आ सकता है। किचन गार्डन के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे शहरों में, जैसे मुंबई या दिल्ली में या फिर शहरों में रहने वाले लीडर ये बोल सकते हैं कि सर हमारे यहाँ तो कोई खेती नहीं है, खेती वाला कोई मेरा दोस्त नहीं है, बट अगर किचन गार्डन आपकी शहरों में, किचन गार्डन तो करते हैं, गमलों का शौक बहुत सारे लोग रखते हैं, गमलों के ऊपर में, गमलों में जो भी आपने सब्जी लगवाई हो, चाहे आपने शो के प्लांट अगर लगवाए हो, मनी प्लांट लगवाए हो, जो भी चीजें आपने वहां पर लगवाई हो, उसकी ग्रोथ के लिए आप इसको सेल कर सकते हैं, उसकी कीपिंग क्वालिटी के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब शहरों शहरों से भी ये अनछूता नहीं है। आने वाले एक प्रोडक्ट में मैं आपको बताऊंगा, आपने एक वीडियो जरूर वायरल देखा होगा कि ऐसे एक दवाई है, जैसे कोरिएंडर होता है, धनिया का, धनिया आपने हरा धनिया लिया, आपने तोड़ के आपने टोकरी में डाल दिया, पालक की जुड़े पालक लिया आपने, कट करके आपने बास्केट में रख दिया, मेथी आपने ली और मेथी आपने बास्केट में रख दी, क्या होगा 5 घंटे के बाद? 5 घंटे के बाद में ये सूखेगा, सूखने के बाद में ना तो कोई ग्राहक उसे लेगा या फिर आपको सब्जी बनाने का मूड नहीं होगा। अगर आने वाले कुछ स्लाइड्स में मैं आपको एक दवाई बताऊंगा, अगर आपने उसका पानी किया और ये सूखी हुई हरा धनिया भी उसमें डुबो के आपने निकाल लिया और सिर्फ 5 मिनट का इस्तेमाल करके आपने छोड़ दिया, आपको पता चलेगा कि जो सूखा हुआ धनिया था, जो सूखी हुई पालक थी या सूखी हुई मेथी थी, 5 मिनट के बाद में ऐसे लगेगा कि अभी 5 मिनट पहले आपने खेतों से काटा हुआ है। बट हाँ, ये मानवी शरीर के लिए घातक नहीं है, ये दवाई सिर्फ पानी को अंदर ले जाने का काम करता है। अर्बन मार्केट वाले ध्यान दें, आज का सेशन आपके लिए भी है, अर्बन मार्केट वाले ये जरूर ध्यान दें कि इसका एप्लीकेशन आप शहरों में कैसे कर सकते हैं, हमारी लेक्चर में आप ये भी सुनेंगे, और ये इनलिस्ट आपको करके रखना है, बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, शहरों में भी इसका बहुत बड़ा मार्केट, कौन से प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं या दे सकते हैं, किसानों तक ये हद में नहीं है, शहरों में भी इसका बिजनेस किया जा सकता है।